NCSL और नीपा न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वधान में SLA एवं SCERT प्रस्तुत करता है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दहरक कैमूर। इस स्कूल का कुशलता से नेतृत्व कर रहे हैं हरिदास शर्मा जी। प्रार्थना सत्र में बच्चे एक कतार में खड़े होकर अपने अनुशासन का परिचय देते हैं। इस स्कूल की खास बात ये है कि यहाँ के बच्चे मोमबत्ती बनाकर खुद को व्यवसाय से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। पहले गैस को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद उस पर कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई रखने के बाद फिर उसमें गर्म कनकर उसमें मोम डालेंगे। मोम डालने के बाद जो गल जाता है फिर उसमें मोम का जो सांचा है वो बनाने के लिए तो उसमें फिर ऑयल डालेंगे, जैसे कोई डीजल हो गया उसमें डालने जो धरता है उसे छुड़ाने के लिए। और फिर उसमें मोम डालने के बाद फिर बांध लेंगे, बांधने के बाद उसमें फिर उसमें नट बोल्ट डाला उसको कस लेंगे, कसने के बाद हम टाइट कस लेंगे कि जो मोम है उसमें डालेंगे वो नीचे नहीं छूना चाहिए। इस सामूहिक कार्य में बच्चों की एकजुटता दिखती है। 15-20 मिनट छोड़ देंगे कि ठंडा होने के बाद कि फिर उसे निकालते हैं, ठंडा होने के बाद उसमें देखते हैं, फिर उसे ठोकते हैं कि कोई टूटेगा नहीं। ठोकने के बाद उसे खोल लेंगे, खोलने के बाद उसमें देखेंगे कौन कौन सही है। यहाँ के शिक्षक TLM के द्वारा बच्चों के साथ नए नए नवाचार कर रहे हैं। वाला भाग है वो क्या है? पुंकेसर है। वो पुंकेसर है, अगर इसको छुएंगे, अभी हल्का बारिश हुई है इसलिए थोड़ा सा छूने पर लग नहीं रहा, लेकिन देखेंगे तो इसको छोटा छोटा कर देंगे। सामने देख रहे हो इसमें एक मिहिर छिद्र है, ये स्त्री केसर। ये क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर परागण के लिए पराग की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से फूलों में प्रजनन का भी कार्य होता है। जैसे एक QR के स्कैन करने के साथ ही आपको उस विषय की पूरी जानकारी मिल जाती है। आवला। आवले का पेड़। और आवला के पेड़ पर QR कोड लगा हुआ, जब इसको हम देखेंगे या स्कैन करेंगे जो डिटेल्स जानकारियां आप देख सकते हैं। क्या दिखा? आंवला। अंग्रेजी नाम क्या है? गुजरी माइरोबालन। वैज्ञानिक नाम पायरांथस एम्बिलिका। और इस जो है आंवला बहुत ही गुणकारी पेड़ होता, महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी माना गया है, क्योंकि औरतों में विटामिन सी की कमी रहती है, उनको कई तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, खास करके किशोरावस्था में आपके बच्चियाँ होती हैं उनमें भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, पुरुषों में भी परिवर्तन होते हैं। सावित्री बाई फूले, ये हमारे भारत की पहली महिला शिक्षिका थी,
जिन्होंने महिलाओं के लिए, शोषित समाज की जो गरीब महिलाएं थी उनके शिक्षा के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान इनका हमारे देश में रहा है। ये पावर प्लांट है, जैसे कि ये बिजली उत्पन्न करेगा। ये देखिए सर, ये डैम है, इसमें से इस पाइप के द्वारा इस पर पानी गिरेगा और इसका पंखा नचेगा और इस मोटर में से विद्युत उत्पन्न होगा। इससे हमारा लाइट ज़्यादा खर्चा होता है। इसी प्रकार हमने एक ऐसा बनाया है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, जैसे कि रात होगा तो ऑटोमेटिक ये लाइट जलना प्रारंभ कर देगा। साथ ही यहाँ के बच्चे विज्ञान के प्रयोग से सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। यहाँ सीमित संसाधन में भी पुस्तकालय की व्यवस्था है। गवर्नमेंट स्कूल डहरक ने अपनी बेहतरीन शिक्षा शिक्षण प्रक्रिया का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास और कुशलता का निर्माण हुआ है।